गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं विवेक कुमार स्टडी इंडिया अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग इस टॉपिक से पारा मेडिकल या फिर नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो एग्जाम होती है उसमें इस टॉपिक से ना जाने कितने प्रश्न लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं एक दो प्रश्न जो लगातार पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मनुष्य में नर या मादा बच्चे होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितनी होती है शिशु का लिंग किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है यानी इन्फेंट सेक्स का इन्फेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फादर मदर इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आइए हम लोग वीडियो के और मूव ऑन करते हैं और आज का इस वीडियो में इस टॉपिक को दिमाग में सेट कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी में कुछ सिंबल होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है यानी आज के बाद आप कहीं भी इस टाइप का सिंबल देख लें तो आप समझ लीजिएगा ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी फादर यानी पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस टाइप का सिंबल सॉरी सिंबल आपको कहीं दिख जाए तो आप समझिएगा कि मदर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यानी माता ठीक है तो आपको पता होगा कि मनुष्य में जो क्रोमोजोम की संख्या होते हैं वो छियालीस क्रोमोजोम की संख्या होती है यानी अगर जोरे पूछे तो तेईस जोरे लगाना ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में कितने जोरे क्रोमोजोम होते हैं तो तेईस पेयर याद रखिएगा कितने क्रोमोजोम होते हैं यानी कितने गुण सूत्र होते हैं तो छियालीस ठीक है जिसमें बात करें तो चौवालीस क्रोमोजोम ऑटोजोम होता है ऑटोजोम क्या होता है मैं आगे आपको बता रहा हूं और दो क्रोमोजोम होता है वो सिक्स क्रोमोजोम होता है यानी सिक्स को निर्माण करता है और ऑटोजोम जो होता है वो आपके शरीर को निर्माण करने में मदद करता है यानी ऑटोजोम जो होता है वो सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोशिका को निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो ऑटोजोम्स होता है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है यानी ऑटोजोम्स की संख्या कितने हो गया तो ऑटोजोम्स की संख्या जो हो गया वो चौवालीस हो गया यानी जोरे पूछे तो बाईस जोरे होते हैं ऑटोजोम्स ठीक है और सिक्स क्रोमोजोम होते हैं वो दो होते हैं ठीक है एक पेयर सिक्स क्रोमोजोम होता है आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीका से समझते हैं यानी कुछ इस टाइप से मैं इसे लिखूंगा अपने स्क्रीन पे सारे स्टूडेंट देखिएगा हाँ जी फादर में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होता है वो छियालीस होता है जिसमें मैं इसे लिख सकता हूं चौवालीस तो प्लस एक्स वाई ठीक है और मदर में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होता है इसमें भी छियालीस होता है 44 प्लस एक्स एक्स ठीक है 44 क्रोमोजोम ऑटोजोम्स होता है और एक्स वाई क्रोमोजोम जो है वो सिक्स क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स का मैं फंक्शन अभी कुछ देर पहले आपको बताया ये भी याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं ये तो हो गया आपका जब सेल डिप्लॉयड है टू है आपको पता है कि ये जो टू है जब ये फर्टिलाइजेशन करता है तो एन सेल फादर से जाता है और एन सेल मदर से जाता है यानी जो अस्पर्म होता है मेल गैमेट होता है उसका अगर पुलाइडी पूछे तो वह कैसा होता है, है होता है तो इस कुछ इस टाइप से टूटता है 22 प्लस एक्स में बाइस प्लस वाई में ठीक है और मदर का जो क्रोमोजोम जिसे मदर में जो एग बनता है जिसे ओभम बोलते हैं वो भी हेप्लोइड होता है वो किस टाइप से होता है तो ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ठीक है अब इसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवा कर देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि मेल और फीमेल चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है तो जल्दी से हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं अपने स्क्रीन पे देखिएगा ठीक है ये 22 प्लस एक्स किस में हो गया फादर में और 22 प्लस वाई फादर में 22 प्लस एक्स मदर में 22 प्लस एक्स फादर में सॉरी मदर में जब इसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो आप देखिए इस क्रोमोजोम्स को पहले इसके साथ क्रोशिंग ओवर करवाते हैं ठीक है उसके बाद अलग अलग कलर से मैं लिख रहा हूं इस क्रोमोजोम को फिर से इसके साथ करवा रहा हूं ठीक है यानी फादर वाला जो है वो दोनों मदर के साथ एक क्रो, एक पेयर जो है वो क्रोशिंग ओवर कर गया ठीक है दूसरा कुछ इस टाइप से करवाते हैं कलर मैं चेंजेस ले कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट सेट हो कलर को मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि एक कलर थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए है ना 22 प्लस वाई वाला 22 तो प्लस एक्स के साथ एक बार क्रोशिंग ओवर करता है और 22 प्लस वाई वाला जो है एक बार 22 प्लस एक्स के साथ करता है ठीक है तो कुछ किस टाइप से जो ऑफर स्प्रिंग बनता है वो किस टाइप से बनता है तो 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स वाई स्क्रीन पे देखिएगा 22 प्लस एक्स वाई फादर का और 22 प्लस एक्स वाई मदर का मिलकर क्या बनाता है चौवालीस प्लस एक्स एक्स ठीक है उसी तरीका से 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्सिक्स हाँ बाईस प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स मदर और फादर का ये भी क्या बनाता है 44 प्लस एक्सिक्स उसी तरीका से बात करें कि आ, फादर का वाई वाला जो क्रोमोजोम है बाईस प्लस वाई और मदर के साथ बाईस प्लस एक्स वाला के साथ मिलके 44 प्लस एक्स वाई निर्माण करता है और 22 प्लस वाई फिर से मदर का क्रोमोजोम के साथ मिलकर चौवालिस प्लस एक्स वाई बनाता है तो अभी कुछ देरी पहले बताएं कि 44 प्लस एक्स वाई जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है वो फीमेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स सॉरी मैं उल्टा बोल दिया ठीक है एक्स प्लस एक्स जो होता है वो फीमेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्स प्लस वाई ये मेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो 44 तो सब में सेम है भाई क्योंकि ये ऑटोजोम्स है ठीक है इसका काम सिक्स निर्माण करने के लिए नहीं होता है तो एक्स एक्स यहां है तो ये चाइल्ड कैसा जन्म लेगी फीमेल जिसमें एक्स एक्स प्रजेंट है वो कैसा जन्म लेगी फीमेल और जिसमें एक्स वाई परजेंट है वो कैसा जन्म लेगा मेल यानी कहने का मतलब जो फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है वो फि... और मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है वो फिफ्टी इज टू है ठीक है यानी जितना मेल बन रहा है उतना फीमेल बन रहा है आप देखिए ना मेल कितना बन रहा है? दो बन रहा रहा है है दो ठीक है चौवालीस 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 मेल और फीमेल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होता है ठीक है चलिए ये तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया अब यहां पे थोड़ा सा देखिए आपके स्क्रीन पे जो कुछ मैं अभी आपको डायग्राम के मदद से समझाया उसमें थोड़ा सा ये सोचिए कि मेल बनाने के लिए या फीमेल बनाने के लिए किसका क्रोमोजोम जो है वो डिटरमाइंड uh, कर रहा है किसका क्रोमोजोम जो है वो आवश्यक है फादर का या मदर का तो आप अपने स्क्रीन से देख रहे होंगे कि जिसके पास वाई वाला क्रोमोजोम जा रहा है ध्यान दीजिएगा जिसके प्लस वाई वाला क्रोमोजोम जा रहा है उसका जो बच्चा जन्म ले रहा है वो मेल जन्म ले रहा है ठीक है और जिसके पास फादर में से एक्स वाला क्रोमोजोम जा रहा है फादर में से एक्स वाला क्रोमोजोम जा रहा है वो बच्चा जो जन्म ले रहा है वो फीमेल जन्म ले रहा है यानी लिंग का निर्धारण करने के लिए किसका गुण सूत्र होता है तो फादर का होता है ठीक है तो ये दिमाग आप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मैं आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया कि देखिए फादर का क्रोमोजोम यानी स्पर्म अगर स्पर्म में एक्स जा रहा है तो फीमेल जन्म लेगी अगर स्पर्म के साथ वाई क्रोमोजोम जा रहा है तो मेल जन्म लेगी जो कि मैं पहले आपको समझा चुका हूं ठीक है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं ऑटोजोम्स के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ऑटोजोम्स यानी ये ऐसा क्रोमोजोम्स है जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है ये कितने पेयर के होते हैं बाईस पेयर बाइस पेयर यानी बाईस जोड़े और ये कितने होते हैं नंबर में यानी चौवालीस नंबर में होते हैं ठीक है चौवालीस मेल में चौवालीस फीमेल में ये क्रोमोजोम दोनों में सेम होता है आप देख सकते हैं रेड कलर से मैं सर्कल करके दिखाया हूं ये जो बाइस जोरे हैं इसे ऑटोजोम्स कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है कोशिका का निर्माण करना और कोशिका बाद में आपका शरीर का निर्माण करता है ठीक है तो बाइस पेयर याद रखिएगा ऑटोजोम्स अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए नर में मादा बच्चा होने की संख्या की संभावना कितनी होती है मैं अभी आपको बताया 50, 50, question, आ, 50, 50 इस क्वेश्चन सॉरी 50 इस टू ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ठीक है कैसे क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि स, जो मेल और फीमेल चाइल्ड जो बनता है आप अपने स्क्रीन पे चौवालीस अच्छा रेशियो है मेल और फीमेल बनने का ठीक है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया अच्छा अब मुन करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं शिशु का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो शिशु का लिंग किसके द्वारा अगर फादर के द्वारा फादर का क्रोमोजोम एक्स जा रहा है तो क्या बन जाएगा फीमेल बन जाती है अगर फादर के में से वाई जा रहा है तो क्या बन जाता है मेल जा, बन जाता है यानी फादर का जो क्रोमोजोम्स है वो इन्फेंट यानी शिशु का क्रोमोजोम्स को निर्धारण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है लेकिन पहले के जमाना में फीमेल को बहुत ब्लेम किया जाता था आ, वो अगर पहले के जमाने में आप जानते होंगे कि जो है सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा प्रचलित था कि भाई सबको जो है वो फीमेल बच्चा सॉरी मेल बच्चा चाहिए सभी को ठीक है यानी सभी को जो है वो बॉयलर का चाहिए इस चीज को लेकर फीमेल को बहुत ब्लेम किया जाता था लेकिन वास्तविकता में जो फीमेल और मेल बच्चा होने की जो निर्धारित करता है वो फादर का क्रोमोजोम निर्धारित करता है ठीक है तो पढ़ाई करते रहिए फिर मिलते हैं अगली सेशन के साथ और एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है और कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा इस टाइप का वीडियो से आपको सीखने के कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और अगला टॉपिक पे कौन सा वीडियो आप चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा थैंक यू सो मच